हेलो फ्रेंड्स, हॉट एंड श्योर चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और आज हम बनाएंगे कच्चे चावल की एक बहुत ही यम्मी और टेस्टी सी रेसिपी, जो कि आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको कुछ मीठा खाने का या खीर खाने का मन करे तो आप उसको बना करके खा सकते हैं। तो चलिए फिर बिना हम किसी देरी के वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं और ये यम्मी सी रेसिपी बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने ये लिए हुए हैं चावल, या आप कच्चे चावल कोई भी वैरायटी के जो अपने घर में यूज़ करते हैं आप ले सकते हैं। इसको धुलना नहीं है, अच्छे से कपड़े से हम इसका साफ़ कर लेंगे, इसकी डस्ट जो है वो निकाल लेंगे, इसकी इंप्योरिटी निकाल लेंगे। उसके बाद एक पैन में हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच घी, और जैसे ही घी हमारा मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें अपने चावल को डाल देंगे। बस ये हमको ख्याल रखना है कि चावल हमको अच्छे से धुलना नहीं है, तो इसकी इंप्योरिटी निकालने के लिए, इसकी गंदगी निकालने के लिए अच्छे से इसको कपड़े से या किसी सूखे तौलिए से पोंछ करके हमको साफ कर लेना है। और चावल को हमें तब तक भूनना है जब तक ये थोड़े से पक नहीं जाते हैं और इन पर हल्का सुनहरा रंग नहीं आ जाता है। जैसे ही इनके ऊपर हल्का सुनहरा रंग आ जाएगा हम इसको निकाल लेंगे। इन चावलों को निकाल कर हम ठंडा कर लेंगे और उसके बाद एक जार में इसको डालेंगे, क्योंकि हम इसको पीसना चाहते हैं। उसके बाद सेम पैन में जो बचा हुआ तेल है इसी में हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से कट करके और भून लेंगे, थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके घर में है डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काजू बादाम पिस्ता और किशमिश लिया हुआ है, तो अभी तो मैंने काजू बादाम पिस्ते को थोड़ा सा फ्राई किया है और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें किशमिश भी डाल दूंगी और इसको हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। और बाकी जो आपके पैन में बचा हुआ ऑयल अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप थोड़ा सा ऑयल इसमें और डाल लीजिए। और उसके बाद हम लेंगे चावल, सॉरी चीनी लेंगे हम इसमें। तो जितना हमने चावल लिया था उससे थोड़ा सा कम हम चीनी लेंगे, या अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा चीनी कम या ज़्यादा कर लेंगे। और इसको हम बिल्कुल चीनी को हाथ नहीं लगाएंगे, इसको हम इस तरह से पैन हिलाते हुए थोड़ा सा फैलाएंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके हम इसको कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारी चीनी जो है वो मेल्ट होने लगी है, पिघलने लगी है। तो इसी तरह से हम चीनी को आराम से पिघलने देंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो पेशेंस के साथ हम इसको चीनी को मेल्ट होने देंगे। उसके बाद मेल्ट होते हुए देखते हैं कि 15 से 20 मिनट के बाद हमारी चीनी जो है वो इस तरह से मेल्ट हो जाएगी। पूरी चीनी मेल्ट होने के बाद हम 2 या 3 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे इसको और पकाएंगे हम, ताकि हमारी जो चीनी है वो, जिसमें थोड़े हल्के से पार्टिकल्स दिख रहे हैं, वो भी एकदम से मेल्ट होके एक फॉर्म में आ जाएँ। 2 या 3 मिनट के बाद देखते हैं कि हमारी चीनी जो है बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट ले लेंगे और प्लेट पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको ग्रीस कर लेंगे, चिकना कर लेंगे, और उसके बाद से फिर हम इस वाले प्लेट पे जो हमने चीनी को मेल्ट किया हुआ है वो इस पे हम डाल देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। हम इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे, बस 5 से 10 मिनट तक हम ऐसे ही बाहर रखेंगे, बस उतने में ही ये चीनी जो है वो अच्छे से जो हमारा ये है ठंडी हो जाएगी। और उसके बाद से, क्योंकि हमारी स्टील की जो प्लेट है वो काफ़ी पतली है, तो ये अपने आप से ठंडी होकर के हाथ लगाते के साथ ही चटक के छूट भी जाएगी। अब जो हमने ये चावल ठंडे कर लिए हैं इसको हम पीसेंगे, तो उसी में थोड़ा सा हरी इलायची के जो मैंने दाने हैं वो निकाल लिए हैं, वो भी इसमें मैं डाल करके पीस लूँगी। अगर आपके पास हरी इलायची के पाउडर है पिसा हुआ है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। अब हम इसको एकदम बारीक पीस करके तैयार कर लेंगे और इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और देखिए हमारी जो चीनी जो हमने मेल्ट की हुई थी, कैरमल की हुई थी, वो एकदम से ठंडी हो गई है, और ठंडी होने के बाद इस तरह से इजीली वो प्लेट को छोड़ रही है। तो इसको भी हम एक मिक्सी के जार में डाल करके जिस तरह से हमने चावल को बारीक पीसा था उसी तरह से हम इसको पीस लेंगे। और अब तक तो फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं कैरमल खीर का प्रीमिक्स, तो इसको भी हम बारीक पीस करके तैयार कर लेते हैं और इसको भी हम उसी बाउल में डाल लेते हैं जिसमें कि हमने चावल निकाला हुआ था, जिसमें हमने चावल पीस के निकाला हुआ था उसमें ही हम इसको भी निकाल लेते हैं।
और ये हमारा कैरमल खीर का जो प्रीमिक्स है वो बन करके तैयार हो गया है। लेकिन हम इसको और थोड़ा सा यम्मी और टेस्टी बनाने के लिए, या फिर कभी ऐसा हो कि हमारे पास दूध नहीं हो घर पे और हमको कैरमल खीर बनाना हो, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पूरा कटोरी भर करके मैंने डाला हुआ है मिल्क पाउडर, और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। ड्राई फ्रूट जो आप हमने रोस्ट किया था, अगर आप उसको चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं, और अगर आपको ऐसे पसंद है उसके पार्टिकल्स तो ऐसे भी डाल सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही डाल दिया है, इसको बना करके तैयार कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख सकते हैं, और महीनों तक जब भी आपको खीर खाने का मन करे आप इसको बना करके खा सकते हैं, या फिर अचानक आपके यहाँ पे कोई मेहमान भी आ जाते हैं तो आप ये फटाक से दूध या पानी जो भी आपके घर में है आप उसको गर्म कीजिए और उसमें प्री मिक्स ये मिलाइए और खीर बन करके मिनटों में तैयार हो जाती है। और अगर आप खीर आपने कभी प्री मिक्स खीर खाई होगी या फिर आपने कैरेमल खीर खाई होगी तो आपको पता होगा कि हमारे नॉर्मल खीर की अपेक्षा जो है वो कैरेमल खीर हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो खीर भी बना लेते हैं, तो मैं आपको पानी में ही बना के दिखाती हूँ। तो मैंने एक बर्तन लिया है और उसमें मैंने 2 कटोरी पानी गर्म कर लिया है और 1 कटोरी अच्छे से मैंने इसमें प्री मिक्स डाला है। कटोरी एकदम दबा दबा के अच्छे से भर कर हम इसमें डालेंगे और इसको हम एक उबाल आने देंगे। देखिए इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमारे चावल भी पके हुए हैं और हमारा जो दूध है वो भी चलेगा, और उसके बाद हमारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ इसमें ऑलरेडी रेडी है। ऐसा नहीं है कि हमें इसको घंटों तक पकाना है जैसे हम खीर को पकाते हैं। मैंने कुछ केसर के धागे डाले हैं, टोटली ऑप्शनल है, यदि आपके पास हैं तो आप डालें, नहीं है तो ना डालें। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तो मैंने यहाँ थोड़ा सा 3-4 चम्मच डाला है कस्टर्ड पाउडर, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। इससे हमारी खीर जो है वो काफ़ी गाढ़ी बन जाती है, एकदम रबड़ी की फॉर्म में आ जाती है, उसका टेस्ट भी और फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब हम इसको लो फ्लेम पे इसमें उबाल आने तक पकाएंगे, और देखिए जब उबाल आ जाएगा तो हम फ्लेम को लो करके इसको 5 मिनट तक और पका लेंगे। तो ये खीर बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स, और हमेशा मैं ये बोलती हूँ कि आप नॉर्मल कैरेमल खीर की रेसिपी मेरे चैनल पे देख सकते हैं, और मैंने तभी भी कहा था और अभी भी कहती हूँ कि हमारी जो नॉर्मल खीर होती है उसकी अपेक्षा जो है कैरेमल खीर बहुत टेस्टी होती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसका फ्लेवर थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर केला डालती हूँ। अगर आप नॉर्मल खीर भी बनाते हैं और उसमें भी आप केला डालते हैं तो जो हमारे खीर की स्मूथनेस है वो बढ़ जाती है और खीर में जो हमारा अलग सा एक टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो अब हम इसको 2-3 मिनट और पका लेंगे लो फ्लेम पे और हमारी खीर जो है वो बन करके तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आई होप कि रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैरमल खीर का प्रीमिक्स बना के रख लीजिए और महीनों तक इसको आराम से खाइए। तो देखिए मैंने गैस बंद कर दिया था और ठंडा होने के बाद ये हमारी एकदम रबड़ी जैसी खीर बन करके तैयार है। इसका टेस्ट बहुत यम्मी और टेस्टी होता है, ये आपके बच्चों को भी पसंद आएगा। आपके घर में अगर मेहमान आ रहे हैं तो आप इस बार इस खीर को ज़रूर बना के उनको टेस्ट कराइएगा, सभी आपकी तारीफ़ करते थकेंगे नहीं। देखिए इसका एकदम इस खाने में भी एकदम ये रबड़ी जैसी ही लगती है, एकदम मुँह में जाते के साथ ही घुल जाती है और इसका टेस्ट एकदम यम्मी है। तो मैंने ऊपर थोड़ा सा इसको सर्व कर लिया है और इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल करके इसकी गार्निशिंग कर ली है, और ये लीजिए फ्रेंड्स ये यम्मी यम्मी हमारी खीर जो है बन करके तैयार है, कैरेमल खीर जो कि हमने प्रीमिक्स से बनाई है। तो ये प्रीमिक्स ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।